नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। समस्तीपुर सदर अस्पताल के एक डॉक्टर भागे भागे फिर रहे हैं। भागे भागे इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि उन पर यौन शोषण का मामला दर्ज है। पटना से उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम पहुंची हुई थी, लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब को इसकी भनक लगी, डॉक्टर साहब 9-2-11 हो लिए। पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश करने लगी। आपको वहां के सिविल सर्जन से संपर्क किया गया, महिला थाना की दरोगा पहुंची हुई थी और वो भी जिसने आरोप लगाया वो खुद लड़की, फिजियोथेरेपी की छात्रा है लड़की, उसने महिला थाने में ये आरोप लगाया कि आपको डॉक्टर चंदन है, ये डॉक्टर चंदन चौधरी समस्तीपुर सदर अस्पताल में पदस्थापित हैं ये, और इन्होंने मुझे शादी का झांसा देकर 2 साल हमारे साथ गलत व्यवहार किया। लेकिन जब शादी करने की बात कही गई तो इन्होंने मोटी रकम मांगने का काम किया। इसको लेकर के लड़की के आरोप पर पुलिस एक्शन में आई और पटना से सीधे गिरफ्तारी के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल पहुंच गई। सिविल सर्जन क्या कुछ कह रहे हैं जरा उसको सुनिए। मेडिकल कॉलेज, जो यौन शोषण का मामला हुआ था, क्या मामला है उसका, क्या कुछ आगे? ये ऐसा है, जो डॉक्टर चंदन चौधरी हमारे यहाँ सदर अस्पताल में पदस्थापित है जनरल एम्बुलेंस डॉक्टर के रूप में, तो कल ही पटना में महिला थाना से एक एसआई आई थी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में। उनका उन्होंने आवेदन दिया है कि फलाना पटना में महिला थाना में एक केस ये है, कोई महिला केस की है, डॉक्टर चंदन चौधरी को आरोपित उन्होंने किया है कि उनके द्वारा शादी का झांसा दे करके उनको, उनके साथ संबंध बनाया गया। इस संबंध में 3-4 सेक्शन 375 है और भी कुछ सेक्शन है, तो इसके लिए वो उनको अरेस्ट करने के लिए आई। लेकिन चंदन चौधरी साहब, हम लोगों ने पता किया उस समय वो थे नहीं, इसलिए एसआई साहब जो आए थे उनको मिले नहीं। लेकिन उन्होंने यही अनुरोध किया था हम लोग को एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में, वो जब भी आते हैं तो उनको सूचित करें ताकि उनको अरेस्ट किया जा सके। धन्यवाद। समस्तीपुर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन हैं एसके चौधरी। उन्होंने कहा कि पटना से पुलिस टीम आई है, खास करके वो लड़की भी आई है, उसने तमाम तरह के साक्ष्य भी दिखलाए हैं। अब डॉक्टर फरार चल रहे हैं, उनको पूरा कॉपरेट किया जाएगा। सिविल सर्जन ने कहा कि पुलिस को पूरा का पूरा कॉपरेट किया जाएगा, वो कहीं भी होंगे उनकी सूचना पुलिस को दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि लड़की के आरोप को लेकर के जो पुलिस वहाँ पहुँची है उसे ये हत्थे लगते हैं या नहीं, हाथ आते हैं या नहीं, या फिर इसको लेकर के और कुछ हथकंडा अपनाया जाता है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।